Hello friends, welcome back to my channel. I am here with one more question of class 10 life process. Question is, how is the small intestine designed to absorb digested food? साफ-साफ शब्दों में बोल सकते हैं कि small intestine किस तरीके से design होती है कि हमारा food को absorb करता है। उसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा small intestine का वो view जिस time पे वो absorption हो रहा होता है। एब्जॉर्प्शन के टाइम पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो देख सकते हो ये एकदम प्लेन सरफेस है, यहाँ पे एरिया बहुत कम है, जबकि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहते हैं हम विलाइज। इन्हीं की वजह से हमारा मैक्सिमम फूड एब्जॉर्प्शन हो पाता है। अब हम देखते हैं इसका प्रॉपर आंसर। द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाय। These villi increase the surface area for more efficient food absorption. Within these villi, many blood vessels are present that absorb the digested food and carry it to the blood stream. मतलब क्या है, हमारे जो small intestine में वहाँ पे millions of ये finger-like projection होती हैं जिन्हें हम villi कहते हैं। ये villi क्या करती हैं, surface area बढ़ा देती हैं जिससे कि efficiently food absorb हो पाता है। इन्हीं विलाइज में बहुत सारी ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से डाइजेस्टेड फूड जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम में उनके हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर पाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल क्वेश्चन बैंक फॉर मोर सच मिलियंस ऑफ क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी डाउट कैन जस्ट कमेंट मी, आई विल आंसर यू विद इन फ्यू टाइम्स। थैंक यू।